आईएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे अब्दुल कयूम खाने की आईएमसी में वापसी। बरेली सामाजिक संगठन तहरी के इंसानियत के है अध्यक्ष आईएमसी प्रदेश प्रभारी जुनेद रजा खान की मौजूदगी में हुए शामिल। 100 से ज्यादा लोगों ने के साथ की वापसी। आईएमसी में पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे अब्दुल कयूम खान ने आईएमसी में पुनः वापसी की। वह समाजवादी पार्टी में जिला सचिव भी रहे। इस समय सामाजिक संगठन तहरी के इंसानियत के अध्यक्ष है। उनके साथ 100 से ज्यादा लोगों ने आईएमसी की सदस्यता ली। कौम मिल्लत की खिदमत नहीं कर पा रहे हैं, देश जनता की खिदमत नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद हमें कहीं ऐसा नहीं लगा कि हम कहीं काम कर पाएंगे। फिर हमने सोचा कि इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल एक सेकुलर पार्टी, एक बढ़िया पार्टी है जिसके अध्यक्ष माननीय हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब हैं। इसलिए फिर हम अपने घर वापस होते हुए हमें लगा कि हमें अपने ही पार्टी में काम करना चाहिए, हजरत अल्लामा मौलाना तौकीर मियाँ के हाथों को मजबूत करना चाहिए, जुनैद भाई के हाथों को मजबूत करना चाहिए। ये सब सोचकर हमने दोबारा घर वापसी की है और दोबारा इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल ज्वाइन की है। और हम इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल में रहकर जिस तरीके से मिल्लत की नीतियां हैं और जुनैद भाई का जो आदेश होगा, तौकीर मियाँ साहब का जो हुक्म होगा, उस हुक्म की तामील करते हुए हमेशा मिल्लत की वफादारी, कौम मिल्लत की हमदर्दी और जनता की सेवा करते रहेंगे। कॉन्फ्रेंस बुलाई है हमारे पुराने पूर्व जिला अध्यक्ष और हमारे पुराने साथी जो कयूम साहब ने आज माशाल्लाह घर वापसी करी है और इन्होंने आज वापस फिर आईएमसी का दामन और परचम पकड़ा है। इस सिलसिले में कौन साहब क्या कहना चाहेंगे आप, क्यों आईएमसी आपको बहुत पसंद आई मौजूदा दौर में? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम 2006 में लगभग जिलाध्यक्ष रहे हैं इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के। उसके बाद हमने एक दो एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।